अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोत्सव में शिरकत कर सकते हैं। इस महोत्सव को समाज सेवी और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से ही आकर्षक, सफल और यादगार बनाया जा सकता है। इस महोत्सव में सरकार और प्रशासन का कार्य सिर्फ व्यवस्था बनाना है, सही मायने में गीता महोत्सव आम जन का उत्सव है। इसलिए सभी के साझे प्रयासों से इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के हर क्षण और हर कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से आयोजित करना है। अहम पहलू यह है कि इस वर्ष गीता महोत्सव का आयोजन ब्रह्म सरोवर पर 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में मुख्य पंडाल सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती और विधायक सुभाष सुधा शुक्रवार को देर सायं लघु सचिवालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के आयोजन को लेकर कुरुक्षेत्र जिले की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो 2023 में दिसंबर में मनाने जा रहे हैं, इसके निमित्त आज एक सामाजिक संस्थाओं की और हमारे पूजनीय जो संतजन हैं उनको जो है यहाँ पर आमंत्रित करके हमने उस कार्य योजना में और क्या सुधार कर सकते हैं, समाज की सहभागिता कैसे बढ़ सकती है और गीता जयंती का स्वरूप जिसे हमने अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ है उसमें और चार चांद कैसे लगाएं, इसमें लोगों को कैसे समाहित करें, तो इसके ऊपर बड़े ही अमूल्य सुझाव जो हैं सभी ने दिए हैं और हमने उनके सुझाव सबके नोट कर लिए हैं। तो ये एक प्रकार के इसकी पूरी एक जो है हम एक पूरी की रिपोर्ट तैयार करेंगे। आज की तारीख के अवसर पर शायद 40-50 साल उनकी मृत्यु के बाद है। मैं यही कहूंगा कि उसमें भी मुख्यमंत्री जी के मन के अंदर एक बहुत बड़ा अहसास था जुड़ा थे कि सरकारी कार्यक्रम सब समाज के आपको कुछ कार्यक्रम का आयोजन हो, तो मैं ये चाहूंगा आप सब समाज समझाएंगे मुझे कुमार जी आपकी होगी कि आपके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम का आयोजन हो। इसके लिए मैं सरकार से भी मदद करूंगा और जो आपने सुझाव दिए हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, वो सुझाव मैं कहूंगा अभी मसीह महाराज जी ने दिए कि सरकार से गीता मंत्र होना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को दोबारा पूरा उसके अंदर पालना करनी चाहिए।